जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू कुक विथ अनुसुईया। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो जन्माष्टमी आ गई है, तो आज हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए पंचमेवा प्रसाद, जो आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा और इसे हम बहुत ही इजी तरीके से आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसे शेयर करें और वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलिए हम कान्हा जी के लिए प्रसाद बना लेते हैं। पंचमेवा पाक बनाने के लिए हमने पैन को गरम कर लिए हैं और अब हम इसमें 1 टीस्पून घी डालेंगे। घी गरम हो गया है तो अब हम इसमें, यहाँ पे देख लीजिए, 1/2 कप मखाना है, 1/2 कप सूखा नारियल, 1/2 कप काजू, 1/2 कप बादाम, 1/2 कप ये किशमिश। तो सबसे पहले हम सूखे नारियल को हम रोस्ट करेंगे। तो इसे हमने पीसेस में अच्छी तरह से काट लिया है और इसे हम लो फ्लेम पे ही 1 से 2 मिनट पहले हम इसे फ्राई कर लेते हैं। इसे अच्छी तरह से चलाते हुए हम 1 से 2 मिनट हम फ्राई करेंगे और 1-2 मिनट हो चले हैं और ये देखिए हमारा नारियल फ्राई हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और सेम पैन में ही हम फिर से 1 टीस्पून घी ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें मखाने को रोस्ट करेंगे। तो मखाना को भी हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम रोस्ट करेंगे और 1 मिनट हो चले हैं, मखाना रोस्ट हो गया है। इसके साथ हम 1/4 कप पीनट्स भी ऐडेंगे ताकि मखाना के साथ साथ ये पीनट्स भी भून जाए। और पीनट्स को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे इसे भी फ्राई कर लेंगे। और पीनट्स और मखाने भून गए हैं, अब हम साथ में ही बादाम और काजू को भी ऐड कर देंगे, ये भी हम साथ में ही इसके साथ फ्राई कर लेंगे। तो फ्लेम को हम एकदम लो रखे रहेंगे और सारे पीनट्स और मखाने काजू को फ्राई कर लेंगे। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स भुन गए हैं, अब हम साथ में ही इसमें जो किशमिश था उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम 1/4 कप ये मेलन सीड है इसे भी हम ऐड कर देंगे। और सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं उसे हम लो फ्लेम पे अच्छी तरह से हम रोस्ट कर लेंगे। और ये देखिए सारे हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं रोस्ट हो गए हैं। तो इन्हें हम प्लेट में ले लेते हैं और इन्हें हम ठंडा कर लेंगे पहले और इन्हें हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। अब हम पाक के लिए चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 1 कप चीनी लिए हैं और 1/2 कप से भी कम थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे बॉयल होने देते हैं। 4 से 5 मिनट इसे हम बॉयल करेंगे। ये देखिए ये हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। और इसे अगर चेक करना है तो पानी में डालकर चेक कीजिए, अगर वो जमने लगे तो समझ जाइए कि हमारा चाशनी एकदम बनकर तैयार हो गया है। और अब हम जो ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करके हम रखे हुए थे इसे हम दरदरा ग्राइंड किए हैं, वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। और एक काम हम एकदम फटाफट करना है, इसे हम लो फ्लेम इस टाइम कर देंगे और इसे हम फटाफट 1 से 2 मिनट तक इस पर हम पकाएँगे। ये बहुत ही जल्दी जम जाता है तो इसे हम फटाफट चलाते हुए मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे ही। और ये देखिए 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारा जो मिक्सर है एकदम जमने के लिए तैयार हो गया है। तो इस तरह का मिक्सर हमें बनाना है। देखिए पैन को छोड़ने लगा है, तो इस तरह से आप मिक्सर को तैयार कर लेंगे। अगर आप इसे ठंडा करके देखेंगे तो एकदम तुरंत ही जमने लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, फटाफट हम इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए हमने घी लगाकर पहले से ही रखे हुए थे तो ये सारे मिक्सर को हम एक प्लेट में ले लेंगे और इसे हम स्पून या चम्मच से प्रेस करते हुए इसे हम इस तरह से स्क्वायर शेप दे देंगे और इसे हम नाइफ से कट लगा देंगे ताकि ये तुरंत जम जाता है तो निकलते समय आराम से निकल जाए। तो इस तरह से कट लगाकर 1/2 घंटा के लिए छोड़ दें। और ये देखिए 1/2 घंटा कंप्लीट हो चुका है, हमारा मेवा पाक बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा मेवा पाक जमा है। तो एक बार इस मेवा पाक को इस जन्माष्टमी पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा।
और वीडियो को फुल वॉच कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।